तो चलिए फ्रेंड्स, यूपीसीएल एग्ज़ाम 2019 के लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको तीन वीडियोस कराए हैं इसके पहले, जिसमें मैंने आपको एमएस एक्सेल का बेसिक कराया है। अभी तक मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी के माध्यम से समझा रही हूँ, और ये वीडियो भी आपको कुछ थ्योरी और प्रैक्टिकल के माध्यम से है। इसमें आपको एमएस एक्सेल के बेसिक्स पता चलेंगे। इसके बाद मैं इन चार वीडियोस के बाद आपको जो क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट एमएस एक्सेल के, चारों वीडियो से संबंधित हैं, उसके अलावा आपके और भी क्वेश्चंस हैं जो एमएस एक्सेल से पूछे जाते हैं, वो सीरीज़ वाई सीरीज़ क्वेश्चंस कराऊंगी। तो अगर आपने इसके पहले के तीन वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने काफ़ी दिन से वीडियोज़ नहीं कराए यूपीसीएल के लिए, बिकॉज़ मैंने देखा कि एक स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है टाइम के साथ, कि एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। सीरीज़ मुझे ये स्टार्ट की है मैंने, और ये मुझे पूरी करनी है, लास्ट तक मैं आपका कंप्लीट करूँगी। 2019 के एग्ज़ाम के पहले आपका पूरा सिलेबस के साथ ही क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। बट ये था कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट कम आ रहा था, तो अब मैं आपका ये फिर से स्टार्ट करती हूँ, जिसमें क्या है कि आपको गैप कम मिलेगा, मतलब कि इतने दिन का गैप हो गया ऐसा आप गैप नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले तो आप देखिए कि आज के वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। देखिए, फर्स्ट है आपका डेटा टाइप्स इन एमएस एक्सेल, ऑटो फॉर्मेट का उपयोग कैसे करें, डिफरेंट व्यूज़ ऑफ अ वर्कशीट। तो ये मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी, जैसे कि आप पे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको याद रहेगा कि हाँ, आपने क्वेश्चन ऐसा कहीं देखा था, किसी तरीके से यूज़ किया था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आते हैं डेटा टाइप्स इन एमएस एक्सेल। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले आप उस सेल को सेलेक्ट करें जिसमें आपको डेटा टाइप बदलना हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल, आपको ये सेल दिख रहा है, यहाँ पर आपने डेटा दिख रहा है 0.8 B2 पर। ठीक है, अब B2 का डेटा आपको चेंज करना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है कि इसके बाद सेल पर राइट क्लिक करना है। पहले आपने सेल पर सिंपल क्लिक किया, ठीक है, जिसका डेटा आपको बदलना है, उसके बाद आप राइट क्लिक करोगे। तो राइट क्लिक करने पर आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। ठीक है, इस मेन्यू में आपको कहाँ जाना है, फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। क्लिक करोगे जैसे ही, तो देखिए क्या होगा, आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपको डेटा टाइप दिखेंगे, ये कितने टाइप के हैं। इसे डेटा टाइप का प्रयोग सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये आपका देखिए, पहले तो फॉर्मेट सेल्स में आपने क्लिक किया, तो ये देखिए नंबर में आपको ये सारे डेटा टाइप्स मिल रहे हैं, जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने तरह के कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं एक्सेल में, आपको हो सकता है कि चार ऑप्शन दिए हों, उसमें से कोई तीन ऑप्शन इसमें हो और कोई कोई एक इसमें ना हो, तो कौन सा ऑप्शन जो है आपका डेटा टाइप नहीं है एक्सेल का। तो अगर आप ये एक बार दिमाग में रखेंगे कि हाँ, ये सारे डेटा टाइप होते हैं, इसमें से जनरल डेटा टाइप जो होता है वो सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करता है। देखिए आपको कि ये मैंने स्पेशली जर्नल के लिए लिखा है, कि बाकी सब का तो आप नेम से समझ सकते हो, मगर जर्नल क्या है कि सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह एक कॉमन डेटा टाइप है, जैसे A to Z अक्षर, 0 to 9 नंबर, चिन्ह, दिनांक, समय आदि, ये सबके लिए यूज़ किया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं कि नंबर के लिए नंबर हो गया, करेंसी के लिए हो गया, अकाउंटिंग आपको करनी है, यहाँ पर सिर्फ आपको अकाउंट से रिलेटेड डेटा फीड करना है, वहाँ पर अकाउंटिंग हो गया, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जिस टाइप का नाम है वैसा ही डेटा टाइप है ये। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्लियर हो रही हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और कहाँ से आप डेटा टाइप का ऑप्शन पाते हो। तो आप सेल पे जाओगे, फिर आप उस पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करोगे तो फॉर्मेट सेल में जाओगे, फिर आपको यहाँ से सारे डेटा टाइप ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेटा टाइप कहाँ से ओपन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो फॉर्मेट का उपयोग कैसे करते हैं एमएस एक्सेल में, और ऑटो फॉर्मेट कहाँ से आता है, कैसे उपयोग करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें बताती हूँ मैं आपको इसमें। देखिए, वर्कशीट फॉर्मेट के काम को सरल बनाने का एक आसान तरीका होता है आपका ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट विकल्प का उपयोग करना एक आसान तरीका है वर्कशीट के फॉर्मेट को सरल बनाने में। एक्सेल में 17 ऑटो फॉर्मेट स्टाइल उपलब्ध हैं। ये स्टाइल्स 6 मुख्य फॉर्मेटिंग क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। तो जो ये ऑटो फॉर्मेटिंग स्टाइल होती है 17, ये सिर्फ 6 एरियाज़ के लिए बनी होती है। कौन कौन से एरिया होती है, देखिए, नंबर फॉर्मेटिंग के लिए, बॉर्डर, फॉन्ट के लिए, पैटर्न एंड बैकग्राउंड कलर के लिए, अलाइनमेंट, कॉलम एंड रो साइज। तो आप इसको फिर से देख लीजिए,
नंबर फॉर्मेटिंग, बॉर्डर, फॉन्ट एंड बैकग्राउंड कलर, अलाइंड कॉलम एंड रो साइज, तो इससे भी आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ होती है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपके जो सीट होती है एक्सेल की, इसमें आपको सबसे ऊपर ये दिखता है ये ऑप्शन, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं आपको पता है? ये देखिए, अंडो का ऑप्शन है, ये रीडो का ऑप्शन है, ये सेव का ऑप्शन है। तो मतलब कि जो चीज़ें आपको बार बार यूज़ करनी होती है एक्सेल सीट में, वो आप इस क्विक एक्सेल टूल बार में ऐड कर लो। तो आप बार बार यूज़ करनी होती है तो आपको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कमांड में डायरेक्ट यहीं से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कुछ चीज़ें उसमें पहले से ही ऐड हुई मिलती हैं, लाइक अंडो और रीडो का ऑप्शन, सेव का ऑप्शन, ये सारी आपको इसमें पहले से ही क्विक एक्सेल टूल बार में पड़ी हुई मिलती हैं। पर अगर आपको कुछ और चीज़ें भी क्विक एक्सेस करनी है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करते हैं ये देखिए, मैं आपको इसमें ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन का यूज़ करके बताती हूँ कि ऑटो फॉर्मेट अगर आपको बार बार यूज़ करना है तो ऑटो फॉर्मेट को आप क्विक एक्सेस टूल बार में डाल दो। कैसे? ये आपको देखिए डाउन एरो दिख रहा है ट्राइंगल, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसके क्लिक करोगे तो आपको ये मोर कमांड्स मिलेगा, ठीक है। जब मोर कमांड्स मिलेगा तो मोर कमांड पे आप क्लिक करोगे, मोर कमांड सेलेक्ट करोगे, तो देखिए जब मोर कमांड आएगा तो उसमें आपको ये वाला पेज खुल के आएगा। इसमें देखिए पॉपुलर फार्मूलाज, एडवांस्ड, कस्टमाइज में जाओगे आप। कस्टमाइज में जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आएगा, चूज़ कमांड फ्रॉम कमांड नॉट इन अ रिबन, मतलब कि जो आपके कमांड रिबन में नहीं है वो आपको चूज़ करने है, क्योंकि जो दिए हुए हैं उनका तो कोई यूज़, उनका तो यूज़ आप कर ही रहे हो, जो नहीं दिया हुआ है रिबन में उसको ऐड करना है। तो उसमें जैसे आप जाओगे कमांड्स नॉट इन द रिबन देखोगे, उसमें आपको ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर ऐड का ऑप्शन होगा, कि मतलब आप क्विक एक्सेस टूल बार में इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, एक करके ऐड कर सकते हो। हमें ऐड करना है ऑटो फॉर्मेट पर, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी और फिर यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूँगी, तो ये वाला ऑप्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि सेव अंडो रीडो के साथ ऑटो फॉर्मेट भी आपका क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसमें ओके पर क्लिक करूँगी तो हाँ, ये फाइनली उसमें आ जाएगा। अभी तो सिर्फ आपको शो कर रहा है, जैसे ओके पे कर दोगे वैसे ही आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए, मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया ओके पर, तो ये देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन और ये आपके अंडो रीडो और ये सेव के ऑप्शन पहले से हैं। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार में पहले नहीं था, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले नहीं था, और अब ये ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। किस लिए अब इसका यूज़ करना होता है, आप कोई भी डेटा एंटर करोगे तो आप देख लेना डेटा एंटर करने के बाद, कि ये सारे ऑप्शन, इन सब के लिए आप ऑटो फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो। इनमें से किसी के भी चेंज करना हो, अगर बॉर्डर चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो, नंबर फॉर्मेटिंग करनी हो, तो जल्दी में आपको काम करना हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत सिंपल सा है कि डिफरेंट व्यूज़ ऑफ अ वर्कशीट। अब वर्कशीट के आपने कौन कौन से व्यूज़ देखे हैं, देखिए पहला व्यू जो है वो है नॉर्मल व्यू है। जो वर्कशीट आप यूज़ करते हो एमएस एक्सेल में, उसका नॉर्मल व्यू क्या होता है? इस व्यू में समस्त डेटा अपने पूरे आकार में ठीक उसी प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार उसे फॉर्मेट किया जाता है, मतलब जैसे आप उसे फॉर्मेटिंग कर रहे हो वैसे उसमें नॉर्मल व्यू में आपको दिखाई भी देगा। इस व्यू में ही हम समस्त कार्य करते हैं, अर्थात जब हम एक्सेल चालू करते हैं तो सबसे पहले जो व्यू दिखाई देता है उसे नॉर्मल व्यू ही कहा जाता है। इससे समझ में आ गया आपको कि आप एक्सेल सीट ओपन करते हो, देखिए तो ये आपको ऐसा सीन दिखता है, यहाँ पर डेटा के लिए हो गया, यहाँ पर सारे टूल्स आ गए, यहाँ पर टैब आ गए, तो इसमें जो भी आप काम कर रहे हो जैसा कर रहे हो वैसा दिखता है, तो यही व्यू होता है आपका नॉर्मल व्यू, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए हम आते हैं। नेक्स्ट क्या है? पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है? इस व्यू में वर्कशीट के छापे जाने वाले प्रत्येक पेज को छोटे आकार में दिखाया जाता है और प्रत्येक पेज पर पृष्ठ संख्या, मतलब पेज दिखाई जाती है। इसे हम पेज की ब्रेक को ड्रैग करके उसे सही स्थान पर ला सकते हैं और उस पेज में आवश्यक डेटा छाप सकते हैं। ये आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा प्रैक्टिकल से, आप देखिए जब आप वहाँ पे देखोगे, जैसे ये देखिए ये आपका पेज ब्रेक व्यू है, ठीक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या है कि इसमें क्या होता है, प्रीव्यू मतलब कोई भी चीज़ आपको प्रिंट करनी हो उसके पहले आपको उसका एक प्रीव्यू दिख जाए कि कैसा वो दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने बना लिया जो भी डेटा है बनाना था, फिर हमें उसको प्रिंट करने से पहले हम क्या करेंगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाके देखेंगे कि हमें उसको प्रिंट कैसे करवाना है। अभी तो हमने ऐसे बनाया है, अब अगर हमें उसे पेज डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के फॉर्म में प्रिंट कराना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हम क्या करेंगे कि जितना जितना हमें एक पेज रखना है उतना उतना हमने देखिए इसमें बाउंड्रीज की आ गई, तो ये वन नंबर पेज है, ऐसे हम सेकंड नंबर पेज इसके नीचे थर्ड नंबर आ जाएगा। देखिए इसमें दिया भी हुआ है, वेलकम टू पेज ब्रेक प्रीव्यू, यू कैन एडजस्ट वेयर द पेज ब्रेक्स आर बाई क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग देम विद योर माउस,
कि आप क्लिक करके और इसको ड्रैग करके आप इस उस पर आ सकते हो कि आपको पेज ब्रेक कितने भी करना है, ठीक है। तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू किस लिए होता है आप इस पर फिर से देख लीजिए कि इससे हम किसी पेज की बाउंड्री को ड्रैग करके उसे सही स्थान पर ला सकते हैं और उस पेज में आवश्यक डेटा छाप सकते हैं। इस व्यू में वर्कशीट में छापे जाने वाले प्रत्येक पेज के छोटे आकार में दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि छोटे आकार में एक ब्रेक करके दिखाया जाता है कि कितना आपका छपने पर आएगा सीट में, अगर आप उस सीट को प्रिंट कराओगे तो कितना आएगा, ठीक है। और लास्ट आपका देखिए क्या है, लास्ट लास्ट है आपका फुल स्क्रीन व्यू। ये सिंपल है, इस व्यू में सभी टूल बार जो है वो आपके छुप जाते हैं और वर्कशीट पूरी स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो इस व्यू में आप देख सकते हैं सामने इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आपके सारे टूल बार छुप चुके हैं और वर्कशीट जो है वो आपको फुल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्लोज का, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आते हैं इनसे छोटे छोटे, अगर आप इस वीडियोस को ध्यान से देखते हो पढ़ते हो तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन पे आपको रटना नहीं पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आएगा कि हाँ आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो आज का वीडियो कंप्लीट हो गया और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगी। ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए, कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।